नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरे देश का यारो क्या कहना, आइए जरा दस्तक के जरिए हालात को भी परख लें, स्थितियों को भी समझ लें, मुश्किल हालातों में जवानों की तैनाती भी देख लें और सियासत में दाग क्यों मायने नहीं रखते हैं यह भी समझ लें। तो इस देश का यारो क्या कहना, शुरुआत दरअसल सेना के ही जवानों के साथ। दफन 11 जवान, लेकिन यह सियाचिन नहीं है। लेकिन हालात कहीं ज्यादा जटिल होते चले जा रहे हैं। तो क्या मौसम बदल रहा है? क्या कश्मीर बर्फ की घाटी में तब्दील हो रही है? क्या बर्फ का पिघलना, बर्फ का तूफान आना, ग्लेशियर कम होना, ज्यादा पानी लिए बर्फबारी होना जन्नत के लिए सबसे मुश्किल दौर है? यह सारे सवाल है जिसने पहली बार कश्मीर घाटी की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है। क्योंकि 2016 सबसे गर्म बरस के तौर पर बीतने के बाद बर्फ की चादर में लिपटी घाटी ने हिमालय को लेकर भी यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या गर्म होती जमीन का असर इसी रूप में आने वाले वक्त में दिखाई देगा, जो कहीं ज्यादा घातक होगा। क्योंकि आजादी के बाद यह तीसरा मौका है जब सरहद में बर्फ के तूफान और हिमस्खलन से तैनात जवानों की मौत इतनी बड़ी तादाद में हुई है, जो कि जमीन पर थे, जमीन यानी बर्फ के पहाड़ से दूर। और यह इलाका श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूर गुरेज का है, सरहद से सटा इलाका, जहां बर्फबारी ने सेना के शिविरों को जद में लिया और 11 जवान बर्फ में जिंदा दफन हो गए। याद कीजिए, इससे पहले 2005 में कुलगाम के वोल्टेंगो में हिमस्खलन से 168 लोगों की जान चली गई थी, और उससे पहले 1995 में अनंतनाग के जवाहर टनल में 200 लोगों की मौत हो गई थी। तब भी जिक्र बर्फबारी का था। लेकिन उस बर्फबारी और इस बर्फबारी में अंतर बहुत है। पहली बार 2017 की बर्फबारी इस मायने में कहीं ज्यादा खतरनाक है कि बर्फ की यह चादर अपने भीतर इतना पानी समेटे है कि बर्फ जिस तेजी से आते हैं उतनी ही तेजी से ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिससे हिमस्खलन तेज हो जाता है। यानी ज्यादा बर्फ घाटी में एक वक्त लाभदायक होते थे, लेकिन मौजूदा दौर में बर्फ का असर मौसम पर कम, पर्यावरण पर ज्यादा असर डाल रहा है। और इसी वजह से कश्मीर घाटी के गुरेज, केरन, कुपवाड़ा, कुलवाम, बारामूला, अनंतनाग, शोपियां और लद्दाख क्षेत्र में करगिल और द्रास में हिमस्खलन की आशंका लगातार बढ़ रही है। और चूंकि इन सभी इलाकों में रिहाइश है और हिमस्खलन का असर जमीन पर है, तो घाटी में मौसम को लेकर नई मुसीबत यह भी है कि सर्द मौसम में बर्फ पड़ने और उसके पिघलने में जो तेजी है, तो उसके बाद 2 महीने बाद जब मौसम बदलेगा तब क्या होगा। सेफर लोकेशंस पे और डिजास्टर सेंटर्स पे, जो हमारे डिजास्टर सेंटर्स हैं जो हमने कायम किए हैं, तो उनको इमीडिएटली उस चीज को सीरियसली लेना चाहिए और जिला इंतजामिया के साथ, पुलिस के साथ, आर्मी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और इमीडिएटली वहां से शिफ्ट हो जाना चाहिए, तब तक जब तक कि वार्निंग की जो एवलांच की वार्निंग्स है वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि घाटी में जिस तेजी से मौसम, तापमान और हवा का रुख बदल रहा है, वह हिमालय रेंज में सबसे ज्यादा मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। क्योंकि जरा सा भी परिवर्तन जमी बर्फ और पिघलती बर्फ को एवलांच में तब्दील भी कर रहा है। ये दौर सरहद के इलाकों के लिए शायद सबसे मुश्किल दौर है। जिस अंदाज से ये बर्फबारी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, उस बीच सेना के जवानों को बचाना भी काफी मुश्किल वहां हो रहा है। उस बीच कई जगहों पर कई घर इस बर्फबारी के कारण ढह गए हैं, जिनमें भी लोगों को चोटें आई है। फिलहाल मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कल शाम तक ये बर्फबारी जारी रह सकती है और पहाड़ी इलाकों में खासतौर से बर्फीले तूफानों का खतरा बना हुआ है।
कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर। आज तक सिर्फ ये ना सोचिए कि जन्नत शब्द कश्मीर घाटी से जुड़ा है, सिर्फ ये ना सोचिए राजपथ पर जम्मू कश्मीर की निकलती झांकी ही रंगारंग तरीके से घाटी का समूचा सच है। उस सच के पीछे के सच को देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक दिन में आए 3 एवलांच में 11 जवान शहीद हो चुके हैं, 4 जवान अभी भी लापता हैं, और इस हादसे ने एक बार फिर बीते बरस फरवरी में हुए हादसे की तस्वीर ताजा कर दी है, जब बर्फ में 10 जवानों की जिंदा कब्र बन गई थी। समझना होगा जवानों के भीतर के उस जज्बे को जो जिंदगी और मौत के बीच सरहद वह भी घाटी में किन हालातों में तैनात हैं, तैनात रहते हैं। तो इसके लिए आपको लिए चलते हैं सबसे पहले सियाचिन। जी, ये सियाचिन है जहां बीते 33 बरस में 900 से ज्यादा जवान बर्फ में दम तोड़ चुके हैं। सियाचिन में बर्फीले तूफान आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह इस बार जम्मू कश्मीर में 3 एवलांच आए, उसने एक सवाल तो यह भी खड़ा कर दिया कि बर्फीले तूफानों का खतरा क्या भारत की तरफ लगातार खिसक रहा है, नजदीक आ रहा है? यानी क्या जवानों की जिंदगी अब और जोखिम में है? क्योंकि सियाचिन में तैनात जवानों की जिंदगी का जोखिम है क्या, यह समझना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे मुश्किल सरहद पर सबसे मुश्किल हालातों से जवान कैसे जूझते हैं, यह इससे भी समझा जा सकता है कि तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। 5400 मीटर की ऊंचाई पर रहने की वजह से जवानों का वजन कम हो जाता है। यहां सिर्फ 10% ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। सेना के हेलीकॉप्टर जवानों के खाने को आसमान से ही नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर यहां चंद सेकंड से ज्यादा रुक नहीं सकते, और चंद सेकंड की बर्फबारी में तकरीबन 40 फुट मोटी बर्फ तक जम जाती है। यानी जो नया सवाल सियाचिन से खिसकते खिसकते कश्मीर की सरहदी इलाकों में पहुंचा है और बीते 72 घंटों में नजर आया है, वह हिमस्खलन से सेना के जवानों को बर्फ में दफन करने भर का नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में रिहाइश पर संकट मंडराने का है। और नया सवाल तो यह भी पैदा हो गया है कि सियाचिन के बाद क्या घाटी में भी सेना की तैनाती अब बर्फ में रहने की ट्रेनिंग के साथ ही हो पाएगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आए 3 एवलांच ने एक बार फिर जवानों की मुश्किलों को सतह पर ला दिया है कि घाटी के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ से लगातार जूझना, युवाओं का आतंकवाद की तरफ जाने से लेकर पैलेट गन का सच और राजनीतिक असमंजसता के बीच यूं बर्फबारी या हिमस्खलन ने एक नई चुनौती शुरू कर दी है। लोगों को यही वार्निंग दे रहे हैं कि जो लोग ऊपरी इलाकों में रह रहे हैं, उन इलाकों में जहां एवलांचेज आने का ज्यादा खतरा है, वो सतर्क रहें और कोशिश करें कि इन इलाकों से निकल के सेफर लोकेशंस पे जाएं, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये चीज याद रखें कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, उनको जरूर कॉन्टैक्ट करें। मेट डिपार्टमेंट की माने तो अगले 12 घंटे तक इसी तरीके से बर्फबारी होने की आशंका है। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर। आज तक मुश्किल हालात हैं, और इन सब के बीच जब हम कहते हैं इस देश का यारो क्या कहना, तो मुश्किल हालात के बीच और मुश्किल स्थितियों को पैदा करती हुई सियासत, सत्ता और राजनीति होती है। तो आइए कश्मीर से निकलिए और जमीन पर आइए, और सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के भीतर जाकर देखिए जहां दाग ना हो तो आप चुनाव जीत नहीं सकते। नाम मुख्तार अंसारी, पता फिलहाल जेल, काम राजनीति, मऊ से विधायक, आरोप बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मुख्य आरोपी, हत्या अपहरण फिरौती के कई मामले दर्ज, 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मकोका भी लगाया। तो कौमी एकता दल के नेता और डॉन के रूप में मशहूर नेता मुख्तार अंसारी का ये छोटा सा परिचय है, लेकिन जिस परिचय के आईने में मुख्तार अंसारी की छवि एक अपराधी की है, उन्हें मायावती जीत का इक्का मानती है। सीधे समझे
तो चुनावी बिसात पर निर्दोष मानती है, लेकिन मायावती मुख्तार अंसारी को लेकर क्या सोचती है वो बताएं उससे पहले यूपी सरकार के इस लिस्ट को देख लीजिए, जिसने बीते 5 बरस यूपी में सत्ता चलाई। जी, ये सभी अखिलेश यादव के दागियों के वह लिस्ट है जो उनके सरकार में मंत्री रहे। अखिलेश यादव के 55 मंत्रियों में से 28 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 8 मंत्रियों के ऊपर तो हत्या और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। यानी अपराधी चुनाव लड़े और जीते तो मंत्री भी बन सकता है। तो इन हालात में अपराध या आपराधिक छवि यूपी का कोई नया सच नहीं, लेकिन ये नया सच जरूर है कि अखिलेश अब पाक साफ दिखने दिखाने के लिए साइकिल की सवारी करने के लिए बेचैन मुख्तार अंसारी को चढ़ने नहीं देते। लेकिन मायावती मुख्तार अंसारी को हाथी की सवारी कराने में परहेज नहीं करती, तो दाग क्यों मायने नहीं रखते वह इन दो तस्वीरों से भी साफ हो सकता है। पहली तस्वीर मायावती की, जो मुख्तार अंसारी को लेकर क्या सोचती है, क्या राय रखती है, यह भी सुन लीजिए। मुख्तार अंसारी परिवार को, खासकर पूर्वांचल के कृष्णा नंद राय की हत्या से जो जोड़कर देखा जाता है, इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई है, लेकिन संबंधित अंसारी परिवार के मुताबिक इसकी पुष्टि के इनके आरोपी लोग आज तक भी कोर्ट में इसके पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए हैं। तो सुना आपने, निर्दोष है मुख्तार अंसारी। लेकिन दूसरी तस्वीर अखिलेश की, जिन्होंने अपने मंत्री गायत्री प्रजापति को कभी भ्रष्ट तो कभी खनन माफिया तक कहा और मंत्रिमंडल तक से निकाल दिया, लेकिन मौसम चुनावी आया तो फिर मंच पर साथ खड़ा कर जीतने जिताने की गुहार कुछ इस तरीके से लगाई। ये गायत्री प्रजापति हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण सीट पर लड़ रही है चुनाव, इनकी भी मदद करना, हालांकि क्षेत्र इनका बगल में है, ये अपना भी जीतेंगे औरों को भी जिताएंगे। तो राजनीति के चुनावी हमाम में कौन कितना दरिया दिल है, शायद अब उसी को नापा जाएगा, क्योंकि मायावती ने एक नहीं तीन तीन टिकट दे दिए हैं अंसारी परिवार को। लेकिन किसकी फेरिस्त में कितने ज्यादा दागी हैं यह भी गिनते चले जाइएगा, तो 40% समाजवादी पार्टी, लगभग 30% बीजेपी के हिस्से में आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे। लेकिन इससे इतर दोबारा लौटिए और सोचिए, प्रधानमंत्री आज जब राजपथ पर निकलती झांकियां देख रहे थे, देश भी देख रहा था, अब किसका इंतजार है? अब इंतजार है 1 फरवरी का, फरवरी 1 यानी बजट। तो मौका तो 26 जनवरी का, गणतंत्र दिवस का, और राजपथ पर निकलती झांकियों को निहारते प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन अब तो 26 जनवरी भी बीत गया और शायद प्रधानमंत्री समझ रहे हैं अब देश की नजर तो बजट पर है 1 फरवरी, और शायद उनके जहन में भी ये सारे सवाल कहीं ना कहीं उलझे हुए होंगे कि आखिर इस बार बजट कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर गया है। क्योंकि नोटबंदी के बाद जो हालात देश में पैदा हुए, उसने कई चुनौतियों को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जवाब बजट के जरिए ही सामने आएगा, और ये सारे मुद्दे उसी से जुड़े हैं। क्योंकि वित्त मंत्री भले हालात सामान्य होने का भरोसा देते लगातार दिखे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का सच तो यही है कि कहीं ना कहीं वो पटरी से डगमग हो चली है, कि जीडीपी की विकास दर सुधारी जा सकती है, चाहे रेटिंग एजेंसियां ये मानकर चल रही हो कि जीडीपी की ग्रोथ घट रही है। यह भी बजट के जरिए बतलाना है कैसे विदेशी निवेशकों को भारत वापस लाया जाए, क्योंकि इस दौर में 71,000 करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं नोटबंदी के बाद। और इन सब के साथ बड़ा सवाल शायद रोजगार का है, कैसे गरीब मजदूरों को नौकरी लौटाई जाए, क्योंकि नोटबंदी के बाद तो असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। और शायद सवाल यह भी है बजट के जरिए ही कि अर्थव्यवस्था का तापमान ठीक होगा कैसे, और डॉलर के मुकाबले रुपया जो 68 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगातार गिर रहा है, उसे संभाला कैसे जाए। क्योंकि किसानों के सामने जो मुश्किल है, उसमें बजट के जरिए शायद ये आस भी है किसानों को राहत मिलेगी। किसान बीज नोटबंदी की वजह से खरीद नहीं पा रहे थे, मुश्किल हालात थे, और लगातार ये खबर आ रही थी कि किसानी के साथ जुड़े मजदूरों के सामने काम न मिलने की परेशानी है। और ये ऐसे सवाल हैं जो घूम रहे होंगे, और 1 तारीख का इंतजार कीजिए। लेकिन इस देश का यारो क्या कहना, तो जिसके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं उसी के बारे में क्या कहते हैं, चलिए मुंबई सुनिए जरा। आता याच्या पुढे भविष्यामध्ये शिवसेना एकटी महाराष्ट्रावरती भगवा फडकवेल
आता याच्या पुढे मी युतीसाठी कोणाही दारामध्ये कटोरा घेऊन जाणार नाही. जे काही असेल ते माझं भगव्याचं, माझ्या शिवसैनिकाचं आणि माझ्या शिवसेना प्रमुखांचं असेल, एकट्याचं असेल, मला कोणाच्या भिकेवरती मी राहणार नाही. मग याची पहिली तयारी, ज्या महापालिका आहेत, ज्या जिल्हा परिषदा आहेत, तिथे कुठेही मी युती करणार नाही. माझा शिवसैनिक स्वतःच्या हट्टापायी, स्वतःच्या वेडापायी आणि स्वतःच्या महत्वाकांक्षापायी. बस आता याच्या पुढे लढाई सुरू झालेली आहे. मला आता वेळ नाही, मला थांबता येणार नाही. मला आता एकच स्वप्न आहे, मला एकच ध्यास आहे आणि हीच माझी संधी आहे. तरीन तर मी आत्ताच आणि ते केल्याशिवाय मी राहणार नाही. गजब का ऐलान है. मिलकर भाव सरकार चला रहे हैं लेकिन बीएमसी चुनाव है तो ऐलान आपने सुन लिया किस अंदाज में, किस तरीके का. जिक्र तो यही हो रहा था इस देश का यारो क्या कहना, लेकिन एक गीत सुनाते हैं आपको. वाकई इस गीत को सुनिए और महसूस कीजिए इस देश का यारो का.